हेलो फ्रेंड्स, मैं पायलट सुमित एक बार फिर से आप सभी के सामने। तो आज की नई वीडियो हिंदुस्तान के जो आज जॉब्स का सेक्शन आता है उसकी न्यूज़ को लेके। जैसा कि आपको मोबाइल की मेरी स्क्रीन पे ही देखने को पता चल रहा है कि रेलवे में 3000 टीसी की बहाली होगी। तो ये जो न्यूज़ है कब की है, क्या न्यूज़ है, इसके बारे में बात करनी है। जैसा कि इससे पहले भी हिंदुस्तान की तरफ से न्यूज़ आई थी, अभी आपने जो भर्ती आई हैं उसमें बस नंबर की बात की जाए तो पोस्ट को लेके अलग हैं, लेकिन उसने इन्फॉर्मेशन में दिया था कि जनवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन आने के चांस है, जो कि फरवरी की शुरुआत में आया था, 3 मार्च को जैसे आया था, बस सॉरी 3 फरवरी को, है ना। तो ये सारी बात है। बात करते हैं कि जो रेलवे में 3000 टीसी की बहाली होगी, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये न्यूज़ कब की है। तो मैं बात करूँ तो ये न्यूज़ आज की है। जब भी अगर आप हिंदुस्तान को खोलेंगे तो हिंदुस्तान लाइव को आप सेक्शन खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की न्यूज़ मिल जाएगी। जैसा मैंने देखा था तो रेलवे में 3000 टीसी और 1000 गार्ड भर्ती होंगे। ठीक, थोड़ा सा न्यूज़ को मैं पढ़ूंगा, थोड़ा ही पढ़ने वाली बात है, क्योंकि सरकार रेल संरक्षा वर्ग में ग्रुप सी में 90,000 रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा के बाद अब टिकट कलेक्टर और गार्ड की भर्ती करने जा रही है। तो ये जो 90,000 की बात की जा रही है वो एक तो वही ग्रुप डी 62,907 की जो बात की गई थी, और ALP जो 17,673 है, टेक्नीशियन के 8,829 है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो भी होता है ऐड करके, तो ये वो है जो अभी तक आई थी। लेकिन अब जो बात की जा रही है वो आपके TC और गार्ड के इस न्यूज़पेपर के द्वारा बात की जा रही है, भर्ती करने जा रही है। रेलवे बोर्ड 12 मार्च के बाद 3000 TC और 1000 गार्ड की भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी कर सकता है। इन पद के लिए 12वीं पास और स्नातक बेरोजगार युवा आवेदन कर सकेंगे। तो 12वीं पास तो जैसा कि समझ में आ रहा है, और स्नातक वाली जो चीज़ है वो आपके गुड्स गार्ड के लिए है, जो गार्ड हैं वो गुड्स गार्ड की भर्ती है, है ना। इसको जान लीजिए, गार्ड मतलब वो नहीं समझें जो कि गार्ड होता है। तो इन पदों में 12वीं पास और स्नातक बेरोजगार युवा आवेदन कर सकेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि बुकिंग क्लर्क, पूछताछ व रिजर्वेशन क्लर्क सहित रेलवे अस्पताल में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सी के कुछ अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। रेलवे में मार्च माह में आपके 6000 से अधिक भर्ती होने की उम्मीद है। देखिए, जैसा कि मार्च अब स्टार्ट होने में कुछ ही दिन की बात है, जैसे आज बात की जाए तो आज 21 है, है ना। तो उसके बात की जाए तो मार्च में कुछ ही दिन रह गए, फरवरी 28 की है। मार्च माह में 6000 से अधिक भर्ती होने की उम्मीद है। संरक्षा वर्ग के 90,000 पदों के बाद व्यवहारिक व तकनीकी दिक्कतों को रोकने के लिए TC गार्ड वाले पदों में भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अधिक भार नहीं पड़ेगा। तो ये बात जो है कि 3000 का TC और 1000 गार्ड की बात की गई, तो ऐसा हिंदुस्तान की न्यूज़ जो में आया है। और आप आज इसको पढ़ेंगे तो एम हिंदुस्तान लाइव न्यूज़पेपर की करके वेबसाइट है कुछ, आपको ये मिल जाएगा। तो वापस बात करनी थी कि ये ऐसा क्या पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की सेक्शन की बात करें तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, तो आपको इससे पहले भी हिंदुस्तान की तरफ से जो न्यूज़ आई थी मैं उनको दिखाता हूँ, जो कुछ पड़ी हैं अभी उनमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसमें उसने 65,000 पदों की भर्ती की बहाली की बात की गई थी। देखिए, जैसा कि ये न्यूज़ आई थी रेलवे में 65,000 पदों पर भर्ती जल्दी, ये भी हिंदुस्तान की आई थी, जो कि ये अगर मैं इसकी डिटेल चेक करता हूँ तो ये 30 दिसंबर की न्यूज़ थी मेरे पास में। 30 दिसंबर 2017 को ये न्यूज़ आई थी, यानी दिसंबर माह के समाप्त होते होते, जिसमें आया था कि नए साल की शुरुआत रोज़गार लेके आएगी, है ना। रोज़गार के मुद्दे पर सरकार को जो इसमें घेरने वाली बात कही गई थी, तो ये सारी बातें हिंदुस्तान में पहले आ चुकी थी। जैसे ये भर्ती की बात की गई थी, 60,000 पदों पर भर्ती जल्द होगी, ये रेलवे 60,000 पदों पर भर्तियाँ जल्द, जैसा कि था। तो यह बात करनी थी कि जो नोटिफिकेशन आने वाली है, तो देखिए अभी जब आएगा तो सारी बातें तब खुल पाएंगी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के तहत बात करें तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में आपको जाना है, और आपको वहाँ पे आपको आज की डेट खुलनी है, 21 फरवरी में आपको मिल जाएगा। तो बीते साल भारत में नौकरियों के लिए थोड़ा व्यवधान रहा था, लेकिन वर्ष 2018 में IT है युवाओं को, एक ये न्यूज़ जो आई थी जो सबसे ज़्यादा उस समय दिया था, जिसने शोर मचा रखा था YouTube के ऊपर में। देखिए, ये न्यूज़ जो थी आपकी 2 जनवरी की थी, 2 जनवरी 2018, है ना, जिसमें आपके 72,000 ग्रुप डी की बात की गई थी, चतुर्थ श्रेणी में 72,000 जिसने बात की थी हिंदुस्तान ने, जो कि नियरेस्ट आपकी 62,000 समथिंग, यानी 62,907 की आई थी, आई है।
और आरपीएफ के अभी इसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। रेल मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। तो जैसा कि है, ये सारी 72,000 की तो बात आप समझ में आई गई होगी, चतुर्थ श्रेणी में 72,000 पद होंगे, तो ये आपकी ग्रुप डी की 62,000 हो गई, 62,907 या 63,000 कह सकते हैं। और बाकी जो एएलपी और टेक्नीशियन की आई हैं पोस्ट, इनके बाद अब आने वाली बात की जाए तो अब ये जो टीसी और गुड्स गार्ड की इसने अब नोटिफिकेशन की बात करी है कि मार्च में आना है, तो मार्च तक इंतजार करते हैं, देखते हैं कब आता है और बात फिर तभी करेंगे नोटिफिकेशन को लेके ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे सभी के बने रहने के लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया, है ना। और ये न्यूज़ एक बार ज़रूर पढ़ें, और नोटिफिकेशन का देखिए इंतजार तो अब है ही है। और रही बात एज वाली, इसमें देखिए एज पे क्या लेके होती है बात, इसमें एज क्राइटेरिया यानी एज वाला जो सेक्शन है उसमें कितना प्लस या कितना माइनस किया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।